एक बड़ी खबर आपको बताएं, बोर्ड परीक्षा पर सीबीएसई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आज हलफनामा। 10वीं और 12वीं में नंबर देने के लिए नया फॉर्मूला दिया गया है। 3 से ज्यादा विषय की परीक्षा देने पर बेस्ट ऑफ 3 के आधार पर स्कोरिंग की जाएगी। और हमारे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, ये फॉर्मूला क्या है, जरा ये समझाइए। कल जो सीबीएसई की तरफ से कहा गया था कि 10वीं के स्टूडेंट्स का जिनका पेपर बाकी रह गया है, उनको पेपर देने की जरूरत नहीं है, वो बिना पेपर दिए ही पास कर दिए जाएंगे, उसको उनकी स्कोरिंग अलग तरह से की जाएगी। 12वीं के लिए ये था कि 12वीं बोर्ड में उनको विकल्प दिया जाएगा, जो परीक्षा नहीं देना चाहते हैं वो नहीं देंगे, और उनकी सूरत में क्या होगा। तो इसके लिए जो सीबीएसई की तरफ से हलफनामा दायर किया जा रहा है, 10:30 बजे इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, आदेश सुनाएगा। उसके मुताबिक जिसने भी 3 से ज्यादा विषय में परीक्षा दी है, उसमें जो बेस्ट 3 जो उनका जो स्कोरिंग हुई होगी, 3 सबसे बेहतर नंबर जिस सब्जेक्ट में आए होंगे उसके आधार पर उनकी स्कोरिंग होगी। और ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने केवल तीन ही सब्जेक्ट में पेपर दिया होगा, उसमें जो बेस्ट 2 का एवरेज होगा उसके आधार पर स्कोरिंग होगी। और दिल्ली में ऐसे भी स्टूडेंट हैं, अधिकांश दिल्ली में हैं, जिन्होंने केवल एक या दो ही सब्जेक्ट में का एग्जाम दिया है, तो उसमें ये व्यवस्था की गई है कि उनका जो उनमें जो स्कोरिंग होगी वो जो एक पेपर में दिया होगा उसके आधार पर, और उसके साथ साथ जो आंतरिक जो एग्जाम्स होते हैं या प्रैक्टिकल पेपर होते हैं, इनके स्कोरिंग इसको का एवरेज निकाल करके और इस आधार पर इनकी स्कोरिंग होगी। तो कुल मिलाकर ये कि सीबीएसई की तरफ से ये फॉर्मूला दिया गया, उस फॉर्मूला को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट 10:30 बजे फैसला सुनाएगा। अपने तरफ से सीबीएसई और आईसीएसई दोनों ने जो बातें कह दी हैं कोर्ट में, उसको कोर्ट अपने आदेश में वो कर देगा